हाँ तो गाइस कैसे हो रोंडो। तो भाई साहब आज इस वीडियो में इस ऑल आउट रिवील से जो कि भाई साहब बिल्कुल खाली हो चुकी है, यानी गाइस ये बिल्कुल कबाड़ हो चुकी है, हम इसे फेंक देते हैं। और भाई साहब एक डीसी मोटर, कोई भी डीसी मोटर 772 555 N20 कोई भी गाइस आप डीसी मोटर गियर मोटर ले सकते हो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। एक मिनट रुको, देखा गाइस घूसा मार देगा मच्छर को। हाँ तो गाइस मैं घूसे मार देता हूँ, वो थप्पड़ पुराने हो गए ना, बच जाते हैं, घूसे से नहीं बचते। तो गाइस आप बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। दिवाली के लिए बेस्ट डेकोरेशन आइडिया गाइस मैं बनाने वाला हूँ इस कबाड़े से, आइए देखते हैं। तो गाइस कबाड़ा है नहीं यार, देखा जाए तो भाई बहुत काम की चीज है। और गाइस मैं ऑलरेडी दो प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, आपने गाइस बहुत पसंद किया वो वीडियो। चलो गाइस इस बार भी ट्राई करते हैं आपको गाइस कैसा लगेगा ये वीडियो बनने के बाद। ले गाइस बहुत ज्यादा काम की वीडियो होने वाली है, प्ले दोस्तों कंप्लीट वॉच कीजिएगा। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। तो सोचा गया चलेगा कुछ नया उखाड़ लेते हैं, तो करना चलो गाइस फटाफट भाई अपने टॉय पर चलते हैं। समर एक्सपेरिमेंट। हाँ तो भाई साहब ये तो हमने ले ही लिया। अब क्योंकि समर भाई तू घूसे बजाता फिर रहा मच्छरों में, भाई ये रिफिल खाली होगी ना गाइस, तो मच्छर को दिख गया कि भाई साहब यहाँ पर ये रिफिल खाली हो चुकी है, तो गाइस हम हमला कर दे। मेरा घूसा है काफी मच्छरों के लिए। तो भाई ये मोटर था काफी बड़ा है, 775 मोटर, ये काफी बड़ा है भाई। देखो ये काम कर, मैंने कहा ना कोई भी मोटर काम कर जाएगा, गियर मोटर तो और अच्छा, नॉन गियर तब भी गाइस चल जाएगा, लेकिन भाई यहाँ पर मैं गियर मोटर लेने वाला हूँ। तो भाई पहला मैं इसका जो बीच का ये रोड है गाइस ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। और भाई इसकी पूरी पूरी डार्ट निकाल लेता हूँ, उसे निकालना गाइस बहुत इजी है, ये तो वैसे बहुत आसानी से निकल जाती है, ठीक है। इसकी भाई हमें अब कोई जरूरत नहीं है, भाई हमें इसका ये वाला पार्ट उड़ाना है। यहाँ से गाइस मैं इसे काट लेता हूँ। तो ले जाएगा उस्ताद कुमार खान सिंह, देखे बॉस कैसा लग रहा है भाई से भी मस्त है। इसके अंदर से मैंने कटिंग की है गाइस, मुझे इसके अंदर कुछ लगाना है। अब क्या लगाना है गाइस उस पर आते हैं। ये मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में पता नहीं क्या, मैं भाई से इस बार एक्टिंग नहीं कर रहा वो सच में भाई, बहुत तेज आवाज आई है। खैर आपको यह सुन सुन सुनाई दे रही है, देखो सुनो, मेरे कान नहीं बज रहे। तो भाई यह है टीन क्रस्टर जो कि आप जानते होगा इस घर में रिफाइंड फाइंड ये सरसों का तेल आता है, इसके अंदर 15 लीटर का होता है। तो भाई इसमें मैं थोड़ी थोड़ी पत्ते कट करने वाला हूँ, इससे पतली मिल जाए इससे पतले लेना, इससे मोटे मत लेना वरना गाइस आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इससे मोटे लूंगा तो मुझे भी दिक्कत होगी, ठीक है। चलो भाई इसमें से थोड़ी सी कुछ पत्ती कट करते हैं और भाई फटाफट इसमें फिट करते हैं। 4 पत्ते का इसमें लगाने वाला हूँ जो गाइस काफी मस्त लगेंगे, अंदर की साइड पत्ते लगेंगे, लगेंगे कैसे गाइस वो हम सब देख लेंगे, पहले देखते रहो। तो ले जाए गाइस यहाँ मैंने 4 पत्तियां लगा दी हैं अंदर की साइड, अंदर की साइड बिल्कुल स्मूथ है। और गाइस यहाँ मैंने पत्तियां मोड़ दी हैं जिससे भाई ये बाहर ना निकले, भाई यकीन मानो भाई ये कहीं नहीं जाने वाली, इतनी मजबूती से मैंने लगाई है, ठीक है। तो गाइस इसलिए मुझे इसको ऊपर से काटना पड़ा। चलो भाई साहब अब हमें इसमें मोटर लगाना है, ठीक है। तो भाई हम कौन सा मोटर लगाएंगे, मैंने भाई साहब आपसे स्टार्टिंग में कहा था आप कोई भी डीसी मोटर लगा सकते हो, गियर मोटर लगा सकते हो, नॉन गियर मोटर लगा सकते हो। तो भाई यहाँ तो मैं गियर मोटर लगाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टॉर्क ज्यादा होता है वो थोड़ा अच्छा काम करेगा। तो भाई लोगों यह है मेरे पास N20 गियर मोटर जो कि 5 वोल्ट पे चल जाता है, मस्त काम करता है। वोल्टेज कम देकर आप इसकी स्पीड भी कम कर सकते हो, मतलब कि स्पीड इसकी ठीक है, इतनी फास्ट भी नहीं है। तो भाई साहब मैं यूज करने वाला हूँ कोई भी एक इसमें से गियर मोटर, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ले आपको कितना फास्ट चाहिए, ठीक है। तो गाइस कोई भी एक मस्त सा डीसी मोटर ले लेंगे जो कि है N20 गियर मोटर। और गाइस अब हम इसकी शाफ्ट में थोड़े से चेंजेस करने हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन करने हैं। तो भाई यहाँ पर मैं एक पैन ले रहा हूँ जिसे लिको फैको पैन भी कहते हैं, यूज एंड थ्रो भी कहते हैं इंग्लिश में। तो भाई ये मैं इसमें लगाने वाला हूँ इसके शाफ्ट में। भाई यहाँ पर थोड़ा सा छोटा होल है, तो भाई इस होल को मुझे बड़ा करना है और इसके अंदर फिक्स करना है। चलो गाइस यही कर लेते हैं। तो भाई काफ़ी मजबूती से मैंने लगाया है, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा घूम रहा है, यानी गाइस बिल्कुल यहाँ पर अगर मैं आपको घुमा के से दिखा देता हूँ एक बार, देखिए भाई बिल्कुल भी बैलेंस आउट नहीं है, सब बैलेंस चल रहा है। तो भाई साहब अब इस मोटर को हमें इसके अंदर फिक्स करना है, जो कि भाई साहब सिंपल सी बात है नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसके अंदर में इसे फिट करना है। तो भाई साहब मैंने बिल्कुल एक्यूरेटी से कट किया है, ठीक है, ये भाई साहब इसके अंदर ये देखिए भाई साहब बिल्कुल भाई फिक्स आया है, देखो
जैसे भाई इसके लिए ही बनाओ। इतना मोटर बाहर निकला है, बहुत है भाई, इतना बहुत है, हमारा काम कर जाएगा कनेक्शनों ने। इससे ज्यादा का इसी नीचे नहीं जाएगा, यानी कि इससे भारी नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर इसके अंदर ये अटका हुआ है। ठीक है, इसे मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। अब भाई साहब इसके ऊपर हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है जिससे भाई इस पर करंट ना आए मोटर पर। ठीक है, तो भाई बहुत सारे जुगाड़ हो सकते हैं, तो भाई कोई भी आप लोहे का पाइप ले सकते हो, पीतल का, कॉपर का, जैसे मर्जी आप ले सकते हो। ठीक है भाई, ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ रहा है, मुझे गाइस कुछ करने जरूरत नहीं पड़े, देखिए बस मस्त। तो भाई मैं तो थोड़ा सा घिस कर नया सा कर लेता हूँ। तो भाई ये काफ़ी मस्त चमक गया जो बात है, नया तो नहीं हुआ है लेकिन नए जैसा ही हो गया है। एक बार आप इस पार्ट को दोबारा देख सकते हो, अगर आपको ये वाला पार्ट ना मिले, आपको लोहे का रिंग, कोई लोहे का पाइप छोटा सा जो इसके अंदर आ जाए इस तरीके से, या अगर आपको कुछ भी ना मिले, तो भाई साहब इस पर आप तार लपेट कर उसका सोल्डिंग कर देना, इसका एक तरह का पाइप ही बन जाएगा। भाई साहब जुगाड़ की कमी नहीं है, बस जुगाड़ लगाना आना चाहिए। तो भाई साहब ये तो मुझे इत्तेफाक से मिल गया है, ठीक है, वरना गाइस ऐसी चीजें मिलती नहीं है। अब भाई मैं इस पर डायरेक्ट नहलाऊंगा, पहला मुझे इस पर पत्ती सोल्डिंग करनी है, तो वो पत्ती भी सोल्डिंग कर लेते, बहुत ही हल्की पत्ती होनी चाहिए, कनस्तर की भी चल जाएगी। तो देखिए वो क्या मस्त सोल्डिंग हुई है। ठीक है, ये भाई काफी मजबूती इसके साथ चिपक गया है। ठीक है, और यहां मैंने कोना मोड़ दिया है जिससे भाई यहां पे ये धार ना बने, शार्पनेस की खत्म हो जाए। ये देखो हाथ में नहीं लगेगा, और देखो इसमें काफ़ी स्प्रिंग इफेक्ट है। ठीक है, ये बहुत हल्की पत्ती है, बस बहुत हल्की पत्ती। असल में गाइस मैंने कनस्तर की पत्ती नहीं ली है, ये मैंने जो पेंट स्प्रे जो कैन होती है उसकी पत्ती है भाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा हल्की पत्ती होती है। ठीक है, तो भाई ये जो है ना प्लास्टिक को भी नहीं काटेगी। तो गाइस अब यहाँ पर मैं लूंगा कोई भी एक मोटा सा तगड़ा वायर। ठीक है, अभी ये भाई सब समरसेबल वाला वायर, भाई ये प्योर कॉपर का होता है, काफ़ी थिक वायर होता है, देखिए। ठीक है, सिंगल वायर है, आप दूसरा वायर तो वो वाला मत लेना, सिंगल वायर लेना, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। वाह मज़ा आ गया, यह सुथरा बड़ा कैड़ा चलता है, आई थिंक इतना इनफ है। और भाई साहब इसके नीचे, ठीक है, यहाँ मत लेना, ये ज़्यादा लूज हो जाएगा, ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा देर तक बना रहे, ऐसा करो। और भाई साहब इससे कर दो, अच्छे से टाइट नहीं करना, ठीक है, मतलब कि लपेटना था आपको लेकिन थोड़ा सा लूज ही लपेटना, ऐसा रखा था थोड़ा सा टाइट भी हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, अपना आप स्लिप होने लगेगा। देखिए ये देखो भाई साहब, ये रहा, ठीक है, देखो ये रहा, ठीक, यानी कि टाइट भी है और ये घूम भी रहा है। और भाई साहब ये थोड़ी सी मोटी चमड़ी है, बड़ी दिक्कत है। चलिए भाई साहब इसकी फिटिंग का नंबर आ गया है, ठीक है, देखिए ये पतला तार है, बहुत ही मजबूत तार है जो बात है। और भाई आपको ज़्यादा मतलब कि टाइट नहीं रखना है, देखिए बस हल्का सा, ये रहा, ये हिल गया बस, देखो भाई ये घूमेगा, देखिए रहा, और इससे टकराता रहेगा, देखिए ये वायर इससे टकराता रहेगा, और भाई ये भी फ्री घूमता रहेगा। बस अभी इसे चिपकाते हैं स्टड ग्लू से। तो ले जाओ भाई साहब, क्या मस्त मैकेनिज्म बना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, कोई भी बना सकता है, ये निकलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। चलो भाई साहब इसे कवर कर देते हैं। भाई इसे कवर करने से पहले मोटर को जरूर रोक ले, वरना भाई वैसे मोटर अच्छे से रुका है लेकिन फिर भी चिपका नहीं है ना मैं किसी चीज़ से, तो भाई ये निकलने के चांस है। तो मोटर को बहुत अच्छे से मैंने तगड़ी वाले ग्लू गन से चिपका लिया है, देखो भाई साहब। और भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये मैंने क्यों लगाया, बीच में प्लास्टिक क्यों लगाया, जिससे भाई साहब ये जो है ना इसका करंट मोटर में ना जाए। अब भाई साहब मोटर को पकड़ सकते हो मोटर के अंदर, क्योंकि डीसी वोल्टेज है, तो भाई यहाँ पर करंट नहीं आएगा, ये बिल्कुल सेपरेट रहेगा अलग। मोटर में आप डीसी दोगे, यहाँ पर आप एसी भी दे सकते हो, डीसी भी दे सकते हो, दोनों दे सकते हो, लेकिन इस मोटर पे इसकी पावर नहीं जाएगी। तो भाई ये रहा पीवीसी पाइप की शीट, वैसे गाइस मैं इसका जो टुकड़ा कटा था वो भी लगा सकता था, लेकिन भाई वो सही से चिपकता नहीं, और भाई ऊपर से हमने इसे प्लेन भी किया घिसने के बाद। ठीक है, ये भाई मस्त आएगा, एक बार इसे ऐसे कर लो जिससे ये थोड़ा सा मिल जाए जमीन से ही, देखिए मस्त। ठीक है, और भाई इसे चिपका लेते हैं, ओए होए 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 होए, थोड़ा सा ये लूज है। ठीक है, बस हल्का लगा लगा ले, कहीं नहीं जाने वाले, वैसे भी नीचे रहेगा ये पार्ट। तो भाई लोगों ये हो चुका है कंप्लीट भैया हमारा जुगाड़, काफ़ी मस्त लग रहा, तो मैं थोड़ी सी वायरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर हार्ड वायर लगाना जरूर था अंदर का जुगाड़ करने के लिए। तो लीजिए गाइस हमारा जुगाड़ भैया बनकर कंप्लीट हो गया है, मतलब भाई ये क्या है देखो मस्त। और भाई अगर आपको लगे कि भाई इसमें करंट आ सकता है, तो गाइस आप इसके ऊपर भी टेप लगा सकते हो। मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मुझे आपको प्रॉपर दिखाना है, वैसे ये प्लास्टिक है लेकिन यहाँ पर करंट आ सकता है, तो गाइस यहाँ पर आप अच्छे से टेप लगा दें वायरिंग के बाद, तो इसमें करंट नहीं आएगा, सेफ रहेगा। और भाई ये इस तरीके से रखा रहेगा, देखिए ऐसे, मतलब कि ये वाला आउट देख लेते हैं, देखिए ये ऐसा रखा रहेगा। चले भाई साहब अब फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो भाई साहब ये रही चार झालर, क्योंकि भाई ये फोर चैनल है, फोर चैनल कैसे है, 1 2 3 4,
ठीक है गाइस, ये चार चैनल है, आप ऐसे 6, 7, 8, 10 बार कितनी बना सकते हो। इससे सिंपल डिजाइन कुछ होगा ही नहीं बॉस, बच्चा ये बना सकता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये जो पत्तियां गाइस इनकी संख्या बढ़ा देनी है, आप बीच बीच में दे सकते हो, तो गाइस और ज्यादा चैनल का बन जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा डिजाइन डालना हो वो भी कर सकते हो। कैसे? ठीक है भाई, यहाँ पर आपको तार लगा देना है, एक को छोड़ देना, एक लगा देना है, फिर दूसरे लगा देना है। तो गाइस ऐसा आप मोड चेंज कर सकते हो झल के। अब आप इसमें डीसी भी दे सकते हो और एसी भी दे सकते हो। मैं यहाँ पर एसी से आपको टेस्ट कराने वाला हूँ, ठीक है। जो भाई साहब यहाँ पर देख सकते हो मैंने चार झल ले ली है, ठीक है। तो भाई पहले मैं इसके फटाफट कनेक्शन कर देता हूँ। हाँ तो भाई साहब सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, कुछ भी नहीं है, एक तरह का स्विच का काम करेगा। जैसे भाई दो वायर में से आप काट के बीच में स्विच लगाते हो, सेम गाइस ये वो काम करेगा। चलिए आपको फिर बता देता हूँ। देखो बॉस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 या गाइस मैंने चार झालर का यूज किया है, चारों का वायर एक साथ में मिला दिया। इनके प्लग गाइस मैंने कट कर दिए क्योंकि भाई इतने सारे प्लग फिर मुझे लगाने पड़ते, दिक्कत होती। एक प्लग गाइस मैंने इसमें जोड़ दिया, देखिए सारा वायर जोड़कर एक वायर सीधा लगा दिया, तो 220 वोल्ट एसी हम देंगे दिखेगा, ठीक है प्लग में, ठीक है। दूसरा वायर गाइस सारा मैंने देखिए इस पर लगा दिया, इनका दूसरा वायर दिखेगा इस तरीके से, जो वायर निकला है ये वाला, ठीक है। देखिए ये वायर लगा दिया सीधा मैंने इस प्लग पर, ठीक है। बीच में एक तरह का स्विच की तरह दिया है, बस भाई साहब ये घूमेगा तो भाई साहब ये सारी लाइट ब्लिंक करेंगी, ठीक है। बाइक कितनी स्पीड से ब्लिंक करेगी ये गाइस आपको ऊपर बात है, कि आप इसे कम वोल्टेज दो ये कम ब्लिंक करेंगी, ज्यादा वोल्टेज दोगे मोटर ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो ज्यादा ब्लिंक होगी, ठीक है। और भाई ये काफी मतलब बहुत ही सस्ता जुगाड़ है, बहुत ही सस्ता और बहुत ही सिंपल है। तो भाई मैं ऐसे देता हूँ 220 वोल्ट एसी, देखिए अभी ये चलेगा ही नहीं क्योंकि वैसे मोटर घूम ही नहीं रहा है। और गाइस एक बात और बता दूं, देखिए यहाँ पे मैंने टेप लगा दिया वाइट वाली, देखिए आपको शायद दिख रही होगी, देखिए चमक मारे ना भाई, यहाँ पर टेप लगा दी, यहाँ पर करंट ना आए, शॉर्ट सर्किट ना हो, सेफ रहना चाहिए। अभी करंट नहीं मारेगा मोटर, तो गाइस करंट नहीं मारेगा, चलिए भाई स्विच खोल दिया नहीं चलेगा। अब गाइस मैं मोटर को पावर देता हूँ, तो भाई साहब ये रही पावर सप्लाई, ठीक है। आप ऐसे स्पीड कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जिसकी इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाए। तो भाई मैं इसे लगाता हूँ, देखो भाई इनके तार लगे हुए हैं वायर, अरे भैया तो छिल ना रहा, बड़ा तगड़ा वायर यार, मैंने लगाया किसी को नहीं लगाया, ले जाओ भाई साहब, ठीक है। देखिए और भाई आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, क्योंकि भाई साहब ये लाइट इधर उधर रखोगे तो आप हो जाएगा ये ऐसे को, आई थिंक ऐसे होगा, हाँ ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तो भाई मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ, यानी कि वोल्टेज कम करता हूँ, देखिए देखिए ये रहा, देखिए अब ये आराम आराम से काम करेगा, देखिए देखिए बहुत ही प्यार से, देखिए बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यार और प्यार से, देखो ये रहा बहुत ही प्यार, देखिए ये रहा। अब गाइस मैं लाइट बंद करता हूँ, उसके बाद चेक करते हैं। तो भाई लाइट बिल्कुल बंद नहीं की है, ठीक है। तो जिससे गाइस आपको मैं भी दिखा देता रहा हूँ, ऑन करते हैं ये बॉस, वाह देखिए। अब गाइस ये इससे कम वोल्टेज नहीं हो सकते मिनिमम है, ये भाई 1.4 वोल्ट पर मोटर चल रहा है। अगर आप नॉन गियर मोटर लगाते भाई वो पक्का रुक जाता, ये गियर मोटर में काफ़ी हाई टॉक होता है, कम वोल्टेज तो गाइस ये नहीं रुक रहा, ठीक है। देख एम्पियर भाई ये 0-0 ले रहा है। अब देखो थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, देखिए देखिए काफ़ी वैसे गाइस ब्राइट है जो बात है, ठीक है देखिए। और भाई आप इन एलईडी को इधर उधर करके इसका थोड़ा सा मोड चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए बस देखिए मस्त, देखा देखा भाई बेहतरीन, देखिए अच्छा काम कर रहा है ये रहा, ठीक है। और भाई ये ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करता, अगर आप बड़ा बनाते हो मतलब इस जुगाड़ को बड़ा बनाते हो, गाइस मैंने पहले बनाया था वो भाई आवाज़ बहुत करता है। देखिए पावर सप्लाई बंद होने के बाद इतनी देर तक चल रहा है, अब गाइस बिल्कुल लाइट बंद कर देते हैं। तो भाई देखिए मस्त बिल्कुल बेहतरीन स्पीड ज़्यादा तेज कर सकते हैं, इनका बनेगा भैया हवाई जहाज, देखिए ओ भाई ठीक है कम करते हैं, देखिए बस ठीक है बॉस मस्त, आप अपने हिसाब से स्पीड कम या बहुत ही कम कर सकते हो। भाई एक बार खाली मोटर में आपको घुमा कर दिखा देता हूँ, देखा देखिए अभी ये स्लो है, पता नहीं आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा क्योंकि इसी अंदर की बात है दोस्त। चलिए मैं थोड़ा तेज करता हूँ, देखिए भाई आवाज़ इसके अंदर ही दब रही है, आवाज़ का इस बाहर ना के बराबर आ रही है, तो भाई ये बिल्कुल बंद है। तो गाइस आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा, इससे सिंपल जुगाड़ हो ही नहीं सकता। सबसे खास बात आप इसे ज्यादा चैनल का बना सकते हो, कितने गाइस आपके पास झालर हो सारे 10-50 भी कितनी झालर हो गाइस आप इसे आराम से बना सकते हो, इसे बढ़ा सकते हो और बढ़ाने पैसे नहीं लगते मेरे दोस्त, बस पत्ते लंगे लोही के अपने बढ़ाओ। तो भाई ये बहुत ही सस्ता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो भाई साहब मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।